हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आपने कभी एक भरी दोपहर को ऊपर नीले आसमान में देखा है? आसमान की चमक ब्राइट रहती है और आपको अक्सर अगर आपकी आंखें ठीक से काम कर रही है तो कुछ अजीबोगरीब सी चीजें दिखेंगी ठीक आपके आंखों के सामने। वो चीजें दिखने में कुछ इस तरह होंगी, वर्म्स, रॉड्स और पानी की बूंदों की तरह इवन मूव होती हुई, और आपको उनको पकड़ने का भी मन करेगा। बट जैसे ही आप उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो वो चीज तो असल में रहती ही नहीं है। तो आखिर ये चीज है तो है क्या? ये सवाल आपको भी मेरी ही तरह बहुत सताया होगा। अब ये बात याद रखिए कि ये कोई सुपर पावर नहीं है कि सिर्फ आपको ही ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मैंने सोचा था। ये हर कोई इंसान अनुभव करता है, सिर्फ कुछ का ध्यान जाता है और कुछ तो वैसे भी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन आजकल हम अपना ज्यादा समय टेलीविजन, कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं और उस वक्त भी हमें ये दृश्य जरूर देखने को मिलता है। तो वेल, हमारे फील्ड ऑफ विजन में जो छोटे छोटे स्पॉट्स, टेढ़े मेढ़े फिगर्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं, उनका साइंटिफिक नाम है मुस्के वोलिटेंटिस, जिसका लैटिन में मतलब होता है फ्लाइंग फ्लाइज। आसान और कॉमन शब्दों में इन्हें आई फ्लोटर्स भी कहा जाता है। फ्लोटर्स हमें तब दिखते हैं जब हम खाली ब्राइट बैकग्राउंड जैसे कि ओपन स्काई, ब्लैंक कंप्यूटर स्क्रीन या स्नो में होते हैं। कभी कभी सफेद कागज पर भी लिखा हुआ पढ़ने में भी आई फ्लोटर्स की वजह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये फ्लोटर्स असल में होते क्या है? तो वेल, हमारी जो आई की कैविटी है जिसे कहा जाता है विट्रियस चेम्बर, उसमें लगभग 80% एक जेल यानी थिक विशियस लिक्विड होता है जिसे विट्रियस जेल कहा जाता है। यही जेल हमारे आई बॉल्स को राउंड शेप देते हैं। अब जब हम आंखों से देखने की बात करते हैं तो रेटिना वो आंखों के पीछे का लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है जो अकेला हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको एक कैमरे के सेंसर की तरह समझ सकते हो। रेटिना के इमेज देखने के बाद ही ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करता है और उसे आपके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में इंटरप्रेट करने लगता है, जिससे आपको वो विजुअल्स दिखाई देते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होगा अगर एक कैमरा के सेंसर में पड़ती रोशनी को कोई ब्लॉक कर दे दो, या फिर एक टॉर्च से दीवार पर पड़ती रोशनी को आप कर दे तो एक परछाई यानी शैडो क्रिएट होगी, राइट? तो ऐसा ही कुछ होता है आपके अपने आंखों के रेटिना के साथ। अगर आपने रेटिना की पोजीशन देखी है आपके आंखों में, तो वो एकदम एंड में है आपके आईबॉल्स के, और उसके सामने है विट्रियस जेल जिसमें फ्लोट हो रहे होते हैं ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और आंखों के कुछ टिश्यूज वगैरह। इनके ट्रांसपेरेंट नहीं होने की वजह से ही ये लाइट को ब्लॉक करते हैं और इसीलिए उनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। और इनकी परछाई जब हमारे रेटिना में पड़ती है तब हमें फ्लोटर्स दिखते हैं। ये कोई बग्स या फिर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं होते और सुपर पावर्स तो बिल्कुल नहीं। ये जिंदा दिखते हैं क्योंकि ये विट्रियस जेल में तैरते रहते हैं और अपना शेप चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती है। और क्योंकि ये हमारे आईबॉल्स के ही अंदर होते हैं इसीलिए आप इन्हें छू भी नहीं सकते। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फ्लोटर्स कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है और आपकी नजरें को इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, बट कुछ केसेस में यही फ्लोटर्स एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तब हमारी आंखों की विट्रियस जेल एकदम स्थिर या फिर स्टेबल होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वही थिक जेल आंखों में लिक्विड रूप में बनकर फैलने लगती है। जेल के तत्व जो पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं वो बड़े बड़े फ्लोटर्स बनने लगते हैं, और कई बार ये पतले रेशे जैसे होते हैं और वर्स्ट केसेस में इवन मकड़ी के जाल के समान। इमेजिन कीजिए एक मकड़ी का जाल आपके आंखों के सामने हर समय तैर रहा है, सोचकर ही कैसा तो भी लगता है, राइट? अगर आंखें ठीक से हाइड्रेटेड नहीं है और लगातार टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फोन आप अधिक यूज कर रहे हो तो उससे उत्पन्न हो रहे स्ट्रेस के कारण एलर्जी भी हो सकती है, जिससे आंखों में फ्लोटर्स दिखाई दे सकता है। और उसी तरह पुअर न्यूट्रिशन के वजह से भी आंखों के टिश्यूज का प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिससे भी ये समस्या खड़ी हो सकती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस में भी ये जरूरी है कि आई का मेकअप करने वाले उसको ज्यादा देर नहीं रखे और खासकर सोने से पहले उसे पूरी तरह से क्लीन वाटर के साथ साफ करके ही सोए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी फ्लोटर्स ज्यादा बड़े हो गए और इरिटेट करते हो या फिर विजन को ब्लर करते हो तो इसका मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। विट्रेक्टोमी एक इन्वेसिव सर्जरी है जो फ्लोटर्स को निकालकर लाइन ऑफ विजन को इम्प्रूव कर सकती है। इसमें ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एक छोटा सा इंसिजन करके विट्रियस को रिमूव करते हैं और उसमें एक सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं ताकि आई का शेप मेंटेन रहे और आईज हाइड्रेटेड भी रहे। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और ब्लीडिंग, रेटिना डैमेज
और फ्लोटर्स के किसी दूसरी जगह वापस आ जाने के रिस्क है। लेजर विट्रियोलिसिस भी फ्लोटर्स को निकालने की एक प्रोसीजर है और इसमें लो एनर्जी लेजर लाइट्स के सीरीज ऑफ नैनो सेकेंड पल्सेस को फ्लोटर्स को इवेपोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर लेजर को सटीकता से टारगेट नहीं किया तो इसमें भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक बात यहाँ जरूरी है कि अगर आपके फील्ड ऑफ विजन में कोई ब्राइट फ्लैश या कोई चमकीली लाइट दिखाई देती है या आपको कम दिखाई देता है तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी दिखाई देने पर ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपना विजन बिल्कुल टेस्ट करवा लीजिए। और इन सब के अलावा प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट और खासकर वो डाइट जो एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हो, क्योंकि स्टडीज में आंखों के सेल्स और टिश्यूज के रिपेयर के लिए ये लाभकारी पाए गए हैं। वॉलनट्स, ब्रोकली, फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन्स, स्प्राउट्स, स्पिनच, फिश, एग्स एटसेट्रा में आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स आराम से मिल जाएंगे। इन सब के अलावा आंखों की एक्सरसाइजेस जैसे उनको गोलाकार मुद्रा यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से भी लाभ मिलता है। ब्राइट डे लाइट में जाने से पहले डार्क सनग्लासेस को यूज करना भी ना भूले। कंप्यूटर स्क्रीन्स की ब्राइटनेस को कम रखना और इसके साथ साथ एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ यूज में कंप्यूटर स्क्रीन्स और मोबाइल ब्राइटनेस को भी कम रखना आपके जनरल आई हेल्थ के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है और इसी तरह आप अपनी आई साइट को भी अच्छे से मेंटेन रख पाएंगे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि वो तैरती चीजें आपकी आंखों में क्या होती है। ये वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और क्या आपको भी रेगुलर फ्लोटर्स दिखाई देते हैं? हाँ कि ना, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना।